नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मिस सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के आटे से बनाए जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना ले और साल भर तक, 2 साल तक स्टोर करें, फिर भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, खाने में इतना गजब का इसका टेस्ट होता है कि सभी कोई इसे खाना पसंद करेंगे और सभी कोई बहुत ही चाव से खाएंगे। आप चाय के साथ लेने के लिए आप बना कर रख सकते हैं। बच्चों को हल्का फुल्का भूख में आप इसे दे सकते हैं बना के। आपको कभी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भी आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ली हूँ 1 कटोरी चावल का आटा। हमारे पास पहले से चावल का आटा पिसा हुआ है तो ले ली हूँ। आपके पास नहीं है तो आप घर में भी चावल का आटा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगी आपको। तो चावल के आटे को अच्छे से छान के ली हूँ फ्रेंड्स। अब क्या करना है, तो जितना हमारा चावल का आटा जिस कटोरी से ली हूँ उसी कटोरी से हमें डालना है किसी भी बर्तन में पानी। तो 2 कटोरी यहाँ पर पानी डालना है। पानी का मात्रा आप सही से रखेंगे तब आपका जो नमकीन है बहुत ही अच्छा बनेगा। जब आप बनाएंगे तो ज़रा सा भी टूटेगा नहीं। और यहाँ पर 2 कटोरी आप किसी भी कप ग्लास किसी भी चीज़ से आप चावल के आटा को नाप के लीजिएगा और उसी बर्तन से आपको 2 बार पानी डालना है। पानी में डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक ना ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा हो जाए, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो नमक बराबर से आप डाल लीजिएगा जितना आपका आटा है। आटा को देखते हुए नमक डालिएगा तो आपका सही नमक एकदम परफेक्ट मात्रा में पड़ जाएगा। ये है पापड़ खार। हमारे पास पापड़ खार है तो ये छोटा वाला चमची, एकदम सबसे छोटा वाला जो होता है उससे 1 चम्मच इसमें डाली हूँ। पापड़ खार डालने से नमकीन बहुत ज़्यादा खास्ता बनता है। आपके पास यदि पापड़ खार नहीं है तो आप 1 पिंच इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हैं। और साथ ही डाली हूँ 2 चम्मच के करीब मूँगफली का तेल। सरसों तेल इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सरसों तेल आप डालिएगा तो उसे लंबे समय तक नहीं रख पाइएगा नमकीन को, नहीं तो उसमें एक अजीब सा महक आ जाता है। और रिफाइंड डालिएगा तो उसमें कोई महक नहीं होता, एकदम प्लेन तेल होता है। और देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। इसे और थोड़ा सा उबलने देती हूँ अच्छे से, जिससे कि पापड़ का कच्चापन निकल जाए और इसमें जो पापड़ खार पड़ा है वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसमें डाल देना है हमें चावल का आटा और अच्छे से मिक्स करना है। गैस के आंच को कम कर देना है, उसके बाद आपको चावल का आटा डालना है। और अभी हमारा गैस जो है बंद नहीं है, लो फ्लेम पर है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आपके लिए हर रोज़ 2 रेसिपी की वीडियो लेके आती हूँ। 1 11 से 12 के बीच में दिन में आता है और 1 6 से 7 के बीच में शाम में आता है। तो आप हमारे दोनों वीडियो को देखा करें। ज़्यादातर वीडियो हमारा इसी टाइप का होता है, जो साल भर स्टोर करने का, जैसे बड़ी, पापड़, चिप्स, इस सब टाइप का ज़्यादा हमारा वीडियो आता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप बना के स्टोर कर लें और साल भर तक खाते रहें। बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग देखते ही बनाना चाहेंगे। बस घर में पड़े कुछ सामानों से ही बनके रेडी हो जाता है। अब इसमें ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट तक पकने देना है। बीच में एक आध बार आप चेक कर लीजिएगा। अभी देखिए, गैस को लो फ्लेम पर चालू ही रखी हूँ, बंद नहीं की हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे 1 से 2 बार खोल खोल के बीच में चेक कर ली थी और 2 मिनट इसी तरीके से करके इसे पकाना है, जिससे कि हमारा आटा एकदम अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे। और इसमें पानी का मात्रा सही पड़ा हुआ है तो देखिए अभी ये ज़्यादा सूखा भी नहीं है, कुछ इसी तरीके का हमें चाहिए। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें ढक्कन लगा के थोड़ा सा इसे ठंडा होने देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ढक देना है। अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप भी जब बनाएंगे तो आपका नमकीन एकदम सही बनेगा। अभी इसे छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए। अभी हल्का सा ये ठंडा हो चुका है, पूरा ठंडा नहीं करना है हमें। पूरा ठंडा कीजिएगा तो ये सॉफ्ट होगा ही नहीं। जैसे कि अब इसे मसल मसल के इसमें जो भी हल्का फल्का सा लम्स है उसे तोड़ना है। तो यहाँ पर इसे चिकना करने के लिए आप ले लीजिए कोई ग्लास, सबसे अच्छा होता है ग्लास से ही आप कर ले। इसमें थोड़ा सा तेल लगा ले और इससे आप चिकना कर ले इसे। जब आटा को आप इस तरीके से मसल मसल के सॉफ्ट करेंगे तो इसे थोड़ा सा अच्छे से
टाइम देके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलिएगा, जिससे कि नमकीन जो बने बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने और वो टूटे ना। आटा में जितना अच्छा से लोच आएगा, आटा हमारा जितना स्टार्ची होगा उतना अच्छा नमकीन बन के तैयार होगा। तो चावल का आटा है तो इसी तरीके से थोड़ा देर के लिए आप इसे मसल कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा को अच्छे से मसल के और तैयार कर ली हूँ और बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है आटा हमारा, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा भी नहीं है। अब इसका ही आपको नमकीन बना के दिखाऊंगी। तो नमकीन बनाने के लिए लेना है नमकीन वाला साँचा, आपके पास है तो साँचा ले ले, नहीं है तो आप बिना साँचा का भी इसे बना सकते हैं। जैसे मैं नमकीन भुजिया की रेसिपी डाली हूँ बिना मशीन का, तो वो वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी आई बटन में, और उस टाइप से आप इसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो नमकीन मैं बना के दिखाने वाली हूँ उसके लिए साँचा थोड़ा सही रहेगा उसका शेप लाने में। तो ये नमकीन वाला साँचा है फ्रेंड्स, इसमें देखिए मोटा वाला जाली आता है, एक पतला वाला जाली आता है और एक गाठिया वाला आता है। तो सभी तरह का इसमें इस तरीके से प्लेट दिया जाता है, आप मोटा वाला से भी बना सकते हैं, बारीक वाला से, तो मैं बारीक वाला से ही बनाती हूँ। अब मशीन में अच्छे से तेल लगा लेना है इस साँचे में। इस साँचा को आप लेना चाहते हैं तो कहीं भी जहाँ बर्तन वगैरह मिलता है उस दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। स्टील का भी आता है और इस तरीके का पीतल का भी आता है, और एक बार ले ले फ्रेंड्स तो बहुत दिनों तक ये चलता है। तरह तरह का इसमें आप नमकीन बना सकते हैं। तेल लगाने के बाद इसमें डाल देना है आटा को कुछ इस तरीके से करके, और इसी से नमकीन निकालना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, तभी अगला वीडियो हमारा आपके पास जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। पापड़ बनाने के शौकीन है तो ढेर सारा वीडियो मैं डाली हुई हूँ पापड़ का, तो आप ज़रूर देखें। बड़ी बनाना चाहते हैं, कटहल की बड़ी, आलू की बड़ी, मटर की बड़ी, तो ज़रूर देखें। हर तरह की बड़ी की रेसिपी भी मिलेगी, पापड़ की रेसिपी भी मिलेगी हमारे चैनल पर। अब नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर ले ली हूँ पॉलीथीन। पॉलीथीन पर आपको तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, और इस पे इसे इस तरीके से घुमाते हुए नमकीन निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से ये निकल रहा है, देख पा रहे हैं, एक भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा आटा में पानी भी एकदम सही मात्रा में पड़ा हुआ है, और जब इसे पकाया गया है वो भी सही है, और गूथा गया है वो भी बहुत अच्छे से, तो एक भी नमकीन नहीं टूटेगा, देखिए फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आप लंबा लंबा या चाहे तो इसे राउंड राउंड भी घुमा के जैसे बनाना चाहते हैं बना ले, और इसे टच नहीं करना है, इसी तरीके से बना के इसे सूखने डालना है। तो थोड़ा सा कलरफुल बनाऊंगी, इसके लिए इतना आटा को रख ली थी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा आटा में अलग अलग फूड कलर डाल देती हूँ, जिससे नमकीन देखने में हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फूड कलर डालना है, बस एक पिंच येलो फूड कलर, एक में रेड फूड कलर डाल देती हूँ, आप अपने पसंद से इसमें कोई भी कलर डाल लीजिएगा, ज़्यादा वाइट बनाइएगा और थोड़ा सा कलर वाला उसमें मिक्स कर दीजिएगा, तो जब आप नमकीन फ्राई करके खाएंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और कोई पकड़ ही नहीं पाएगा देख के कि आपने इसे घर में बनाया है, बहुत ही अच्छा देखने में बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों में कलर मिक्स कर लेती हूँ। तो दोनों कलर यहाँ पर हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसे भी उसी तरीके से साँचे में भर लेना है एक एक करके, और साँचे में भरने के बाद इसे भी उसी तरीके से नमकीन निकाल देना है। इसे भी निकाल के दिखाती हूँ, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा जब पीला वाला नमकीन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इसे बहुत लंबा लंबा भी निकाल के सुखा सकते हैं, जितना बड़ा आपका पॉलीथीन है उतना बड़ा बड़ा भी आप निकाल सकते हैं। और इसका रखने का तरीका है, जब ये अच्छे से ये सूख जाएगा उसके बाद आप इसे छोटा छोटा टुकड़ा करके रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा। अब इसी तरीके से लाल वाला भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखने में कलरफुल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से सारे नमकीन को बना के और सूखने के लिए डालना है मात्र एक कटोरी चावल का आटा में, ढेर सारा नमकीन हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बना के
और डाल दी हूँ सूखने के लिए। जब अच्छे से सूखेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नमकीन सूख के तैयार हो गया। इसे रात में बना के पूरे रात पंखे के हवा में छोड़ दी थी और उतना ही में ये सूख के एकदम तैयार हो चुका है। हल्का फुल्का सा सॉफ्ट है तो इसे धूप में डाल दीजिए, आराम से ये सूख जाएगा। और इस तरीके से तोड़ के बीच से देखिए, इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा करके आप इसे डब्बा में स्टोर करके रख ले, साल दो साल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमकीन को फ्राई भी करके आपको दिखा देती हूँ। फ्राई करने के लिए तेल हमारा गर्म है, अब इसमें डाल देती हूँ नमकीन को। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ये धीरे धीरे अपने आप सीख के तेल में खुलेगा जाके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा ही खास्ता बनता है और फूल जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका टुकड़ा टुकड़ा करके ही आप फ्राई कीजिएगा। थोड़ा सा किनारे में रखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल के आटे का खास्ता नमकीन बन के तैयार है। आपको अच्छा लगा होगा तो आप भी इसे बना ले, देर ना करें, झटपट से बना के सूखने के लिए धूप में डाल दें और एक बार सुखा के रख लें। और बाजार वाले चाउमीन चाट से आपको ज़्यादा यही पसंद आने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर से आप चाहें तो चाट मसाला, हरा मिर्ची, लाल मिर्ची जो डाल के खाना चाहते हैं खा सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मूंगफली फ्राई करके डाल सकते हैं, पोहा फ्राई करके डाल सकते हैं और चटपटा नाश्ता घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नमकीन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।